अब समस्त खंडवा जिले में निर्माण की दुनिया में विश्वसनीय कार्यों के लिए साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी। जी हाँ, सभी प्रकार के भवन, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, मांगलिक परिसर, होटल, गार्डन, फार्म हाउस, वेयर हाउस के निर्माण कार्य और नगर पालिक निगम की TNC की परमिशन। सभी प्रकार के आधुनिक एलिवेशन, इंटीरियर, आर्किटेक्चर कार्यों के लिए संपर्क करें इंजीनियर आकाश नेबनानी, साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, मोगट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खंडवा में मोहर्रम पर्व पर जुलूस नहीं निकलेगा, ताजिया व सवारियां निर्धारित स्थान पर रखी जा सकेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल निर्धारित अनुमति के बाद किया जा सकेगा। भंडारे लंगन का आयोजन नहीं किया जाएगा। COVID-19 के नियमों का पालन करना होगा, यह जानकारी प्रशासन पुलिस ने गणमान्य नागरिकों की संयुक्त बैठक में दी गई। पर्व में मद्देनजर तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। बैठक में जिला खंडवा अनुविभागीय अधिकारी ममता खेड़े, नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे उपस्थित थे। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए शासन ने भीड़ भाड़ व मेला जुलूस को प्रतिबंधित किया है। सवारी रखे जा सकेंगे। अधिकारियों ने सड़कों की मरम्मत, बिजली, पानी व प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने का आश्वासन दिया। गाइडलाइन के मुताबिक संवेदनशील सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी। इस शहर में ताजिए निकालने वाले प्रतिनिधि और शहर काजी सहित शहर के गणमान्य नागरिक गण उपस्थित थे। मैम, आज प्रशासन द्वारा एक बैठक कंट्रोल रूम में आयोजित की गई है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन है COVID-19 के को लेकर और आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह की अपील लोगों से की गई है? जैसा कि हम लोग पिछले 1.5 साल से जानते हैं, कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोग परंपरा निर्वाह के लिए जो भी त्यौहार मनाएंगे वो हमारे स्वास्थ्य रक्षा और त्यौहार की जो परंपरा है उसके निर्वाह के लिए होगा। जितने सभी आयोजकगण हैं उनके साथ चर्चा हुई है, उन्होंने सहमति भी व्यक्त की है। जो ताजिया या सवारी होंगी वो शहर में कहीं भ्रमण नहीं करेंगे, वो सीधे करबला जाएंगे और एक आयोजक समूह के साथ में 10 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लंगर भंडारे वगैरह नहीं होंगे और हम लोग सीमित संख्या में उपस्थित रह के जैसे त्यौहार को मना सकेंगे वैसे मना पाएंगे। सर, आज एक कंट्रोल रूम में आपने बैठक रखी है, किस विषय को लेकर बैठक रखी गई है और किस तरह के नियम और दिशा निर्देश जो हैं और जनता से अपील की गई है? यह जैसे खंडवा शहर में जो आगामी पर्व मुहर्रम का जो पर्व है वो बड़े तौर पे मनाया जाता था, लेकिन जो जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की जो COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम लोगों ने उनको पूर्णता जो उनको बाउंड किया है कि सीमित संख्या में लोग इसको आयोजित करेंगे, जिला प्रशासन और खंडवा पुलिस साथ में उपस्थित होकर ये मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें इनको बताया गया कि किसी भी ताजिया सवारी में 10 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। शहर में धारा 144 लागू है और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूर्णतः पालन करेंगे और रैली, जुलूस, इस टाइप के कोई भी जो आयोजन है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है।